ये सामने खड़ी है। वो नानू नानू इनके को आती इनके समझ में। नमस्ते सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं सोनिया इस देश की बेटी। नदीम यार इनके को अच्छा वीडियो ना आ रही। अरे बेटी तो हर घर की शान है, उसी से हर घर में रोशनी है। बेटी तो दो घरों को जोड़ती है। आइए बेटियों के सम्मान में हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तू जाते तो बनिया वो आ रहे हैं स्कूल चलने की तैयारी भी तो करनी है। मेरा स्कूल तो पास में आया था। नहीं माँ मैंने तो मुन्ना को नहीं देखा, मैं तो सुबह से बर्तन ही धो रही हूँ। अरे माँ मुझे भी स्कूल जाना है, मेरा भी मन पढ़ने को करता है, मेरा भी दाखिला स्कूल में करा दो ना माँ। ये छोरी बड़ी आई स्कूल जाने वाली, घर के काम काज अच्छे से सीख ले, आगे चलकर यही काम आएंगे। पढ़ लिख कर तुझको कौन सा कलेक्टर बना है, चल जल्दी वर्दन साफ कर। माँ जी सोने का भी स्कूल में दाखिला दिला दीजिए ना, उसमें भी पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, उसमें पढ़ना लिखना जरूरी है। तू चुप कर, पढ़ना लिखना ये तो केवल लड़कों का काम है, उन्हें आगे चलकर घर गृहस्थी जो संभालनी है। अरे यह क्या हो रहा है, कौन किसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है, हमारी सोनिया बेटी क्यों रो रही है। देखिए ना डॉक्टर दीदी दादी मुझे स्कूल जाने नहीं देती, कहती है तुझे पढ़ लेकर क्या करना है, आगे चल के चूल्हा चौका ही तो करना है। अरे माँ जी यह बात तो बहुत गलत है, क्या आपको नहीं लगता हम बेटियाँ भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, आज समाज बहुत आगे बढ़ गया है। आप किस दुनिया की बात कर रही हो, आज हम 21वीं सदी में हैं। मैं आज ही टीचर दीदी से बात करके सोनिया का दाखिला स्कूल में कराती हूँ। और हाँ मैं सुनो यहाँ मैं इसलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया गया नहीं, जगह जगह इसके कैंप लगे हैं, नहीं दिया है तो दे दीजिए ठीक है। अच्छा हुआ कि बहन जी आप यहाँ आ गई, आप मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दे दो और मैं उसे स्कूल पहुँचा दूंगी। अच्छा सोनिया बेटा तुम रोना नहीं, तुम जरूर स्कूल जाओगी और एक दिन पढ़ लिख कर मेरी तरह बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगी, ठीक है बेटा। अच्छा तो मैं चलती हूँ। बहू जरा एक गिलास पानी लाना। अरे ये देखो अखबार में प्यारी बेटी के बारे में कितनी सुंदर कविता आई है, चलो यह कविता मैं पढ़कर सुनाता हूँ। कहती बेटी बाप बाजार मुझे चाहिए प्यार दिला, बेटी की हम देखे क्यों करता है निष्ठुर संचार, सोचो जरा हमारे भी बसा सकोगे घर परिवार, गर्व से लेकर यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार, मेरी व्यथा वेदना का अब हो स्थायी उपचार, जब माँ ही जग में ना होगी तो तुम जन्म किस से पाओगे, जब नानी दादी ही ना होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा, जब कोई शुभ सुंदरी ही ना होगी तो तुम किस से प्यार करोगे, नारी के लिए जब शब्दा है ये बात आप समझ पाओगे। देखो कितनी सुंदर कविता आई है, खूब पढ़ाओ छोरी को और बाहर भेजो, जब जब चले चले।